नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। बटाला में हसली नाले पर निर्माणाधीन पुल के नीचे खुदाई के दौरान दबी मिली बंदूक। बंदूक मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मचारियों ने बंदूक को कब्जे में लेकर जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। बंदूक की हालत से नजर आ रहा है कि बंदूक काफी समय पहले दबाई गई है। वहीं बटाला वासियों का कहना था कि पुलिस को इस नाले की छानबीन करनी चाहिए, हो सकता है कहीं और कुछ भी बरामद हो जाए। वहीं सिविल थाना पुलिस प्रभारी सुखविंदर सिंह का कहना था कि पुल बनाने के लिए वहां की जमीन की खुदाई चल रही थी, तभी खुदाई के दौरान दो नाली बंदूक वहां दबी मिली, जिसे कब्जे में ले लिया गया है और जांच की जा रही है कि ये बंदूक किसकी है और वहां कैसे पहुंची। इसके साथ ही बनती कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अज सवेरे करीब 10 बजे ना सिटी रोड जरा पुल बन रहा है, उत्थे जे सी बी अपना काम कर रही सी। तो जे सी बी ने जो खुदाई का काम कर रहे थे, उदो जे सी बी के खुदाई के नाल ही एक जी डबल बैल जी रैफल उतों मिली। सानू टैलीफोन आया कि भी इतों जी एक गन मिली है। मौके के उत्ते जाके गन कब्जे से लिया गया जी। उसने हम कब्जा पुलिस से ले लिया गन जी। हुण जिहड़े भी मॉडल की होगी, जो भी होगी, पड़ताल करके ते पूरी कार्रवाई हम लिया जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।